वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और ये देखिए बेड की हालत क्या हो रखी है, क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और आज मैंने इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे बेडरूम सही करना है, क्योंकि अभी अभी हम लोग रेस्ट करके अभी उठे हैं और थोड़ी सा नैप भी ले ली थी हम लोगों ने, क्योंकि आज है सैटरडे। श्रेय आया स्कूल से, उसके बाद फिर मैंने उसको लंच वगैरह दिया, फिर हम लोग सो गए थे और सीधे शाम को 4:30 उठी हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं आजकल ऐसा लगता है कि दोपहर में सोना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है दिन बड़ा होता है, या तो फिर मैं सुबह जल्दी उठने लगी हूँ कुछ दिनों से। 4:30 मेरा सुबह उठना होता है, तभी मेरे काम निपट पाते हैं। ओके, सो चलो मैं सबसे पहले इसको ठीक कर देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। एंड गर्मियों के दिन में और स्पेशली बारिश के दिनों में बड़ी नींद आती है दोपहर के टाइम, क्योंकि बस ये लगता है थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए नैप ले लो। और हम मम्मीज़ का क्या होता है ना, सुबह से उठते हैं काम में ही लगे रहते हैं, तो फिर थोड़ा सा ना थकान जैसा भी हो जाता है, तो लगता है कि बस दोपहर को सो जाओ। तो आजकल ना मैं दोपहर में 1-1.5 घंटे के लिए सो ही जाती हूँ। और यहाँ पे मेरा हो गया है बेडरूम क्लीन। बाहर आई तो यहाँ पे मेरे लंच के जो बर्तन वगैरह मैंने धो करके रखे थे उनको भी मैं जो है स्टैंड पर लगा दूँगी। एंड हाँ, मैंने आप लोगों से ना पिछले व्लॉग में पूछा था कि मैं अपनी ये किचन वाली विंडो में क्या लगवाऊं, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग बहुत आती है। तो मुझे ना मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप प्लास्टिक की शीट लगवा लो। तो देखेंगे, ऐसा ही कुछ ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि मुझे अभी टेम्पररी ही लगाना है। आगे का अभी फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमारा न्यू घर भी है, वो भी हमें सुधरवाना है, रिपेयर करवाना है, अभी आधा ही काम पड़ा है। कोविड आ गया था, फिर हमारे जब से काम भी नहीं हुआ, तो उसको भी अभी हमें रिपेयर करवाना है। तो यहाँ पे ना मैंने लगे हाथों बर्तन रख दिए, मैंने लंच के सारे बर्तन वगैरह लगाए और श्री का लंच बॉक्स वगैरह धुला, तो मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखी। मुझे इतना गुस्सा आया श्री के ऊपर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो नया लंच बॉक्स जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये देखिए तोड़ डाला इसने। ये जो इनके चारों साइड से लगाने वाले होते हैं, तो एक साइड से ये तोड़ दिया, ये देखिए। मैंने इसको इतना बताया कि लगाया करो अच्छे से, लेकिन नहीं, कोई पड़ी नहीं है ना। मैंने क्या कहा, अच्छे से लगाया करो, कहा अब ये रिपेयर होगा नहीं होगा ना। फिर होगा रिपेयर, कितना महंगा वाला लंच बॉक्स है, मैंने आपको इसकी प्राइस भी बताई थी। मैंने ऑनलाइन परचेज किया और ये पूरा तोड़ दिया इसने। मैंने यहाँ पे श्रेय को बहुत डांटा, बहुत ही ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रही थी, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ है और वो रिपेयर भी नहीं हो सकती, इस तरीके से वो टूटा है। लेकिन फिर मैंने उसको लगा करके देखा तो लग तो जाता है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है वो। फिर मैंने उसको समझाया भी डांटने के बाद, जब मेरा गुस्सा शांत हो गया, मैंने कहा बेटा छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू करना सीखो, ये ऐसे ही नहीं आती हैं, इनमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें समझाने के बाद बोला ठीक है मम्मा, आइंदा से कभी नहीं होगा, मैं हर एक चीज़ की वैल्यू करूँगा। मैंने कहा ओके चलो। थोड़ी देर बाद गेट नोक हुआ, मैंने कहा चलो देखें गेट पर कौन है। तो श्रेय के दादू न्यू साइकिल लेके खड़े थे, ये देखिए न्यू साइकिल आ गई है और वो अपने दादू के साथ कर रहा है पूजन। तो यही होता है, मैं डांटती हूँ और दादू दादी बचा लेते हैं, यही होना चाहिए हर एक घर में, ताकि बच्चों को भी एक यू नो मेंटली सपोर्ट मिले, वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। और यहाँ पे देखिए वो चला के बता रहा है, बोला मम्मा मैं चलाने लगा न्यू साइकिल। देखिए मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बस मैं सोच रही हूँ क्यों ना कुछ रेनी टाइप का कुछ रेसिपी बनाया जाए अभी डिनर में। तो बस मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा बादल हो रखा है, ये देखिए। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है गोभी के पराठे की तैयारी। गोभी मीन्स जो कॉलीफ्लावर आता है ना, जो फूल गोभी, उसके भी आप पराठे सेम वे से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं पत्ता गोभी कैबेज के पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने कैबेज को जो भी उसका जो ख़राब वाला पार्ट था वो निकाल दिया। पता नहीं आजकल कैबेज कैसे आ रहे हैं मानसून में, प्लीज़ देख कर यूज़ कीजिए, चाहे फिर वो कॉलीफ्लावर हो या तो फिर कैबेज हो।
उसके बाद यहाँ पर मैंने जो सब्जियाँ हैं उसकी शॉपिंग कर ली, जैसे धनिया मिर्ची अच्छे से वॉश करके छोटी छोटी बारीक बारीक मैंने धनिया मिर्ची कट कर ली। और मैं इसमें ना प्याज भी डालूँगी, अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप प्याज को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर खाते हैं तो डालिएगा ज़रूर, बहुत टेस्टी लगते हैं। बस प्याज को मैंने मैनुअली चॉपर में डाल करके चॉप कर लिया, काफ़ी अच्छे से चॉप हो गई थी। उसके बाद सेम वे से मैं ना पत्ता गोभी को भी ऐसे ही चॉप कर लूँगी, वो भी अच्छे से चॉप हो जाती है। एंड यहाँ पर ना पत्ता गोभी का टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी, थोड़ा सा जस्ट पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पैन में ले लिया था ऑयल जीरा, उसके बाद मैंने प्याज और कैबेज का जो हमने क्रश किया था दोनों ही डाल दिए। उसके बाद फिर हम डाल देंगे नमक, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर और मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला, यही सारी चीज़ें डाल करके और थोड़ा सा नमक डाल करके जस्ट 5 मिनट पकाना है हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर ही पक जाता है। और बस जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा सा सॉफ़्ट हो गई है इसकी कंसिस्टेंसी, सब्जियां सॉफ़्ट हो रही हैं, उसके बाद फिर हमें बस निकाल लेना है। और ये देखिए मेरा जो पराठों का जो फीलिंग है वो बनके तैयार हो गई है। चलो उसके लिए रायता भी बना लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को रायता बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं वही वेजिटेबल वाला रायता बना रही हूँ। तो रायते में मैं डालूँगी प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हरी धनिया, सारी चीज़ें डाल करके, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी काला नमक। और आप चाहो तो इस रायते में पूरा बन जाए फिर आप तड़का भी लगाइए, बहुत टेस्टी बन जाता है, यूपी स्टाइल फिर लगेगा। लेकिन हस्बैंड को ना मैं जैसे बना रही हूँ उनको ऐसे ही पसंद है। थोड़ी सी मैंने बूंदी भी डाल दी ताकि टेस्ट अच्छा आए। और यहाँ पर मैंने अपना स्पेशल मसाला डाल दिया है और ये हमारा रायता तैयार है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके मैं रख दूँगी फ्रिज में, जब तक वो इवनिंग में आएंगे, सॉरी नाइट में आएंगे और खाएंगे करेंगे, जब तक काफ़ी अच्छे से चिल्ड हो चुका होगा। एंड सॉरी थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि लाइट आ भी नहीं रही है और यू नो इवनिंग का टाइम है, रात होने को आई है, तो इतनी अच्छी लाइटिंग आपको थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज़ यू नो। और यहाँ पे ना मैंने मीनवाइल्स दूध भी रख दिया था बॉईल होने के लिए, तो बस दूध बॉईल हो रहा है और मीनवाइल्स मैंने लगा लिया था, आटा गूंथ लिया था और थोड़े बहुत जो बर्तन हो जाते हैं ना चॉपिंग करते टाइम, चॉपिंग बोर्ड, ये सारी चीज़ें, मैनुअल चॉपर, ये सारी मैं धोती भी गई थी, पैन वगैरह हो गया, जो भी बर्तन निकलते आए सारे मैंने धो के डाल दिए हैं। ओके यहाँ पर आ गए थे पापा जी खाने के लिए, पापा जी आए, उसके बाद बस सभी लोग धीरे 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 खाने के लिए बैठ गए थे। तो बस मैंने कहा चलो सब लोग आ ही गए हैं तो सब लोग खा लो, क्योंकि गर्मी बहुत है, एक बार आ गई ना मैं किचन में, चलो अब तो सबको खिला कर ही जाऊँगी, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर गर्मी इतनी भयंकर लगती है। तो बस यहाँ पर मैं सबके लिए बना रही हूँ पराठे, तो बना लेते हैं। पापा जी आ गए थे तो फिर मैंने सर पे पल्लू डाल लिया, क्योंकि हमारे वहाँ ना पल्लू डालते हैं ससुर जी को या इन लॉज में कोई भी हो उनको। और यहाँ पर ये देखिए पराठे बनके हमारे तैयार हो गए हैं, थोड़े से फट रहे हैं लेकिन हाँ बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा। थोड़े से संभाल कर बनाइएगा क्योंकि मैंने ना काफ़ी ज़्यादा फीलिंग भर के बनाए हैं, आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी फीलिंग भर के भी आप यू नो बना सकते हो। पराठों के साथ यहाँ पर मैंने सर्व किया है रायता और ये आम रस, जो कि मॉर्निंग का बचा हुआ रखा था, मैंने मॉर्निंग में बनाया था। एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम, मैं लेके आ गई हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। आज है संडे तो आज कोई ऐसा जल्दबाजी होती नहीं है, तो यहाँ पर मैंने आफ्टर ब्रेकफास्ट चावल लिया है और काम वाम का कोई ऐसा कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, आप आराम से कर सकते हो। तो बस यहाँ पर मैं नहा कर आई हूँ और अपनी स्किन और हेयर केयर करूँगी आराम से, क्योंकि काफ़ी दिनों में मैंने अपने बालों को जो है सीरम भी नहीं लगाया, वो लगाऊँगी और थोड़ा सा अपना स्किन केयर रूटीन कर लूँगी। गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? अभी ये है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग के बज रहे हैं 11। आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि आज है संडे, तो यू नो लंच वंच बना के उसके बाद मैंने शावर लिया, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर हो रखी थी कि पूछो ही मत। और आज श्रेय की छुट्टी, तो श्रेय और श्रेय की दादी लंच कर रहे हैं और चलो मैं भी अपने लिए बना लेती हूँ। वैसे मैं लंच बना के उसके बाद फिर मैंने शावर लिया, मतलब रोटियाँ बनानी बची थी, रोटियाँ मैं कभी भी बिना नहाए नहीं बनाती हूँ, मैं नहा कर ही बनाती हूँ रोटियाँ। तो बस चलो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, नहा लिया गर्मी में,
और शाम को तो मेरा पूरा मूड ख़राब होके रखा था क्योंकि लाइट भी नहीं आई थी और गर्मी इतनी भयंकर हो रखी थी। रात को 11 बजे लाइट आई, उसके बाद फिर हम लोग सोए। जब तक हम लोग छत पे लेटे थे, छत पे लेकिन काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा, हम लोग सो भी गए थे। फिर जब अचानक पता चला कि लाइट आ चुकी है, फिर हम लोग नीचे आए। ओके, तो चलो बातें बहुत हो चुकी हैं, मैं अपने लिए रोटियाँ बना लेती हूँ और सब लोगों ने खाना खा लिया, बस मैं अकेली बची हूँ। हस्बैंड भी खाकर चले गए हैं, वो आज सुबह ही चले गए थे ब्रेकफास्ट करके। संडे के दिन ना जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं ना घर के, वो भी निपट जाते हैं क्योंकि बच्चों को जाना नहीं होता है। तो बस यहाँ पर मैंने घी भी रख दिया है, मुझे याद आया कि मक्खन रखा है, तो चलो मैंने कहा चलो घी भी पक जाएगा जब तक मैं अपने लिए रोटियाँ बनाऊँगी, किचन साफ़ करूँगी, लंच करूँगी, जब तक आराम से पक चुका होगा। और यहाँ पर बस मैंने अपने लिए रोटियाँ बना ली हैं। आज मैंने सब्ज़ी में बनाई है कटहल की सब्ज़ी, और आज की कटहल की सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी है, वरना मुझसे पता नहीं अच्छी नहीं बनती। कभी कभी ऐसा होता है ना मार्केट में कि जो कटहल होता है ना, जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं, वो अगर अच्छा आए तो सब्ज़ी भी अच्छी बनती है, लेकिन वो थोड़ा सा येलोइश आए तो फिर सब्ज़ी यू नो नहीं अच्छी बनती है। लेकिन आज का कटहल बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। ओके, सब लोगों ने खाना खा लिया। यहाँ पे मैंने घी देखा तो घी पक रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना, घी उबल के बाहर आ जाता है क्योंकि उसमें जो मक्खन वगैरह होता है, उस वजह से ज़्यादातर 2-3 बार उबाल आता है घी का, सॉरी मक्खन का, उसके बाद फिर वो घी आराम से बनने लगता है। ये जो सीन है वो है आफ्टर लंच का। लंच मैंने कर लिया है, यहाँ पर मुझे बेडशीट दिखी, ये काम जो मेरा बाकी पड़ा है, बेडशीट बिछाना है, तो फिर मैंने दूसरी बेडशीट लगा दी। जो पुरानी थी उनको मैंने धो करके डाल दिया है क्योंकि यू नो मेरी हैबिट ये है कि मैं हर हफ्ते सबकी बेडशीट धोती हूँ। यहाँ पर मम्मी जी पापा जी की बेडशीट आज धो दी थी। ओके, सो मुझे बात करने का टाइम ज़्यादा अभी था नहीं एंडिंग में, तो मैंने कहा चलो व्लॉग को एंड करते हैं। तो यहीं पर मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलते हैं नए व्लॉग में। होप यू आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।